हरी और हर की नगरी हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला का शानदार आगाज हुआ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेले का उद्घाटन किया। सारण जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोनपुर मेला 32 दिनों तक यानी कि 6 नवंबर से 7 दिसंबर तक चलने वाला है। इस बार सोनपुर मेले में हर वर्ग के लोगों के लिए कुछ न कुछ खास है। इस ऐतिहासिक मेले में देश विदेश से हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। उनके आवभगत में कोई कमी नहीं की जाती है। शाम के समय मेले का लुक देखने ही बनता है। चारों तरफ रंगीन बल्ब के जगमग के बीच दिन रात का फर्क मिट जाता है। बच्चों के लिए झूला तो महिलाओं के लिए नियम मीना बाजार, युवाओं के लिए सर्कस और मौत का कुआं लगा हुआ है। मेले में एक व्यवस्थित पर्यटक ग्राम भी बनाया गया है। जिला प्रशासन पर्यटकों की समस्या का निपटारण करेगा। पर्यटकों की सेवा में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होगी। अतिथि देवो भव के भाव से सत्कार मिलेगा। सोनपुर मेला भारत के संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र है। मेले में छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग लोगों के लिए कई तरह के मनोरंजन के साधन उपलब्ध है। रेलवे द्वारा रेल ग्राम बनाया गया है। हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला मुख्य पंडाल के पास जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग द्वारा सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया है। वहाँ आई लव सोनपुर मेला लिखा हुआ है। रंग बिरंगी बल्ब से सजे सेल्फी प्वाइंट फॉर सेल्फी के लिए युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। ये भी बताया जा रहा है कि शाम होते ही सेल्फी प्वाइंट रंगीन बल्बों से जगमग हो गया है। वहाँ सेल्फी लेकर लोग अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड भी कर रहे हैं। इस पर लोगों की कमेंट भी खूब आ रहे हैं। दरअसल सोनपुर मेले के सांस्कृतिक मंच पर कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत बिहार के गौरव के गाने से हुआ। उसके बाद भाव नृत्य प्रस्तुत किया गया। कलाकारों के मंच पर आते ही दर्शकों का उत्साह चरम पर जा रहा था। पार्श्व गायिका ऋचा शर्मा ने जैसे ही दर्शकों को पुराने हिट भजन सुनाना शुरू किया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल रोमांचित हो उठा। दर्शकों का उत्साह देखकर ऋचा शर्मा स्वयं को रोक नहीं पाई और इसके बाद एक से बढ़कर एक भजन का दौर चलने लगा। उनके द्वारा जग में सुंदर हैं दो नाम, चाहे कृष्ण हो या राम, बोलो राम राम तथा पायो जी मैंने राम रतन धन पायो जैसे भजन को सुनते ही दर्शक भाव विभोर हो उठे। उनके द्वारा गाए भजन और गीत पर दर्शक खूब झूम रहे थे। सभी अतिथियों को पर्यटक विभाग की ओर से हरिहर क्षेत्र का मोमेंटो और पुष्प गुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार, प्रबंध निदेशक यशस्वी मिश्रा, सारण के कमिश्नर पूनम मौजूद रहीं। उद्घाटन समारोह में आपने तस्वीरें देखी कि किस प्रकार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव वहां गए और उद्घाटन किया। लेकिन जैसे ही सोनपुर मेले का उद्घाटन हुआ और मेले की शुरुआत हुई, उसके बाद जब मनोरंजन का मंच सजा तो दर्शकों के जोश को देखते बन रहा था। दर्शक आज भी मेले में कई मनोरंजन के साधन का लुत्फ उठा रहे हैं। आपको पता है कि सोनपुर मेले का आगाज हो चुका है और ऐसे में सोनपुर के इस मेले में बहुत सारी चीजें खास इसलिए भी बनाई गई हैं क्योंकि 2 साल के बाद ये पहली बार है जब लोग खुल करके सोनपुर मेले का लुत्फ उठा रहे हैं। सोनपुर मेले में थिएटर और फैशन शो के अलावा लोगों के लिए कई सारी चीजें हैं जो उनके रातों को रंगीन करने में मदद करेगी और उन्हें मेले में थोड़ी भी बोरियत महसूस नहीं होगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।